हेलो दोस्तों, मिशन नंबर 16 के लिए बढ़ेंगे। इसमें भी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। चलो चलते हैं। वापस माइन आ गए, माइन निकालने के लिए प्रोसेस तो दिखाइए हमें पहले भी। तो चलिए दोस्तों, इसमें डेवलपमेंट टाइम है, जल्दी से बना लेते हैं। तो हमें कंस्ट्रक्शन याद कर दिया, उसके बाद सप्लायर, उसके बाद पावर प्लांट, उसके बाद ब्रेकर, वापस सप्लायर, पावर प्लांट एंड मोर, एक सप्लायर और ब्रेकर रख देंगे, इसको अपग्रेड कर देंगे और एक सुपरवाइजर फैक्ट्री बना देंगे। और एक सुपरवाइजर फैक्ट्री बना देते हैं, उसके बाद बंकर रख देंगे यहाँ पर भी, और एक यहाँ पर बंकर रख देते हैं, और हो गया दोनों ही बंकर। इसको अपग्रेड कर देते हैं, इसको भी अपग्रेड कर देते हैं, इसको भी अपग्रेड कर देते हैं, पर हमारे पास बिजली कम हो गई। चलो कोई बात नहीं, हम अभी कंटेनर ढूँढेंगे, कंटेनर ढूँढने के लिए निकलते हैं। और ये हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मिशन है, उसका दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है दोनों ट्रांसफर, तो उसके लिए भी टाइम दिया गया है, हमें 8 मिनट दिए। 8 मिनट के अंदर में हमें डिस्ट्रॉय करना है। वहाँ पर कोई तो आ गई है। ऑल राइट मेरे यार, मैं अभी 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 अटैक ही हो रहा है बेस के ऊपर। यहाँ पर कंटेनर है, जल्दी से ले लेते हैं। चलो मिल गया, हम पावर प्लांट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी रख देते हैं बंकर। चलो कंटेनर मिल गया, अच्छी बात है, वापस कंटेनर मिल गया। जल्दी से आप लोगों को सेना बनाना है, और आपके पास सिर्फ 7 मिनट रह गए। तो हेडक्वार्टर को सिलेक्ट करके ये पॉइंट को यहाँ पर लगा दीजिए, सारी सेना बनकर वहीं पर आएगी। और जल्दी से बना लेंगे, इधर क्या है देख लेते हैं। चलो ओ बेस है, जाएंगे वहाँ पर। हमें यहाँ पर जाना है, किस तरह का वहाँ पर भी बेस होगा पता नहीं। डिस्ट्रॉय ऑल एनिमी बेस, इसमें बोला है डिस्ट्रॉय ऑल एनिमी बेस, मतलब 2 बेस है या फिर 3। यहाँ पर भी हो सकता है एक बेस, और यहाँ पर भी हो सकता है, ये पूरा भी बेस हो सकता है, वो तो हम बाद में पता चलेगा हमको। और हाँ, आप लोग यहाँ से भी सेना को बना सकते हो, जहीं भी कहीं पर भी हो। ओ यहाँ पर भी बेस है, तो हमको अच्छी खासी सेना चाहिए। दो तीन तीन सैनिक आ रहे हैं, छोटी छोटी सी सेना। चलो इतनी सेना शायद काफ़ी है, चलो चलते हैं। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे माइंड से हम लोग नहीं घबराएंगे, ये माइंड हमारा कुछ नहीं कर सकेगा। अबे यार कितनी माइंड लगा कर गए हैं साले। हाँ स्नाइपर टावर है, मतलब डायरेक्टली अटैक किया तो मेरी इन्फेंट्री को अच्छा खासा डैमेज कर देगा और मार देगा, इसलिए पहले मैं वाइसल को भेजूँगा, उसके पीछे मैं इनको भेजूँगा। मैंने डबल टैप किया, देखा ए, ए, ए। चलो हो गया। हाँ भैया खत्म हो गया, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह चुके हैं, 3 मिनटों में हमें उड़ाना होगा। पहले हमें उनको उड़ाना है। दूसरा किधर गया, वो यहाँ पर है। जैसे कि हमने इसको ख़त्म कर दिया। और दोस्तों आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, पर पहले थोड़ा
अपग्रेड करना ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपडेट करूँगा। तब तक मैं रेसिडेंट के वीडियो बनाऊँगा, ये कंप्लीट है, रेसिडेंट के वीडियो भी बना के डालने वाला हूँ बस थोड़े टाइम में। और सब कुछ यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर तो है क्या, हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कम्प्लीट हो चुका है, तो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है ऑल डिस्ट्रॉय बेजिस को ख़त्म करना है। तो चलो दोस्तों, ये सेना लेके मैं यहाँ पर जाता हूँ, और मरते हैं तो मर के देंगे सेना को, क्या यहाँ पर भी भेज है। अरे यार रेसिडेंट वाला, तुमने कितने बेस बनाकर मारने के लिए थी, हाँ ये कैसा बेस बनाया यार। यार स्नाइपर टावर बहुत ही ज़्यादा ही डैमेज कर रहा है, मारो उसको यार। यहाँ पर स्नाइपर टावर नहीं है, यहाँ पर हेडक्वार्टर है। ओह बंकर है हमारे वहाँ पर, तो बेस पर इसलिए इधर आने की बात नहीं है। कमान जल्दी से तैयार करो यार, ये कहाँ कर रहा है, इधर इधर तो क्यों रहा है, इधर भी हेडक्वार्टर है। ओके जल्दी से चलो, यहाँ पर खत्म हो गया बस, अच्छा बनाया। चलो हमने विक्ट्री कर ली दोस्तों, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो गए, फुल स्टार मिल गए। ओके दोस्तों, बाय बाय।